Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. I hope you all are doing good and you all are fine. I'm your science teacher. My name is Kamal Bajaj and I'm going to teach you science. Let's start with chapter number one. Its name is Cellular Organization of Plants and Animals. इस chapter में हम plants और animals के cells की organization पढ़ेंगे. यानी कि हमारे animals और plants सेल से किस तरह कंपोज हुए होते हैं, उनकी बॉडी सेल से किस तरह कंपोज की गई होती है. लेट्स ओपन काइंडली स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर 4. आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेल. फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रीडिंग. सो सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तमाम जानदार और जिंदा मखलूकात सेल से बनी होती है. A cell is the basic unit of structure and function of all living organisms. तमाम जानदारों के structure और function का बुनियादी unit आपका cell होता है. मतलब तमाम living organism के चाहे structure की बात करें या function की बात करें, जो बुनियादी unit है जिससे वो start होता है वो एक छोटा सा cell होता है. Plants and animals are made up of trillions of cells. Plants और animals ट्रिलियंस के बहुत ज्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं. सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया. आप सबने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा. बैक्टीरिया एक ऐसा सेल होता है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बना. सेल्स आर डिफरेंट इन शेप साइज एंड फंक्शन. इसका मतलब है कि सारे सेल्स एक जैसे शेप और साइज और फंक्शन में नहीं होते. सेल्स शेप साइज और उनका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई. कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि उनको नेकेड आंख से, मतलब खुली आंख से देखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जिसकी एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे, योक ऑफ एन एग. एक अंडे की जर्दी एक इतना बड़ा सेल है जिसको आप अपनी आंख से देख सकते हैं. बट मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल. लेकिन बाकी सेल्स इतने छोटे होते हैं, वी कांट सी देम विद आवर आईज. उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी द सेल्स. फिर इतने छोटे सेल्स को आंख से देखने के लिए हमें खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट और आलू की जरूरत पड़ती है. स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा रिव्यू करेंगे जिसमें हम आपको क्विकली दोबारा से चीजें बताएंगे जो हमने इस टॉपिक में पढ़ी. पहली, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तमाम जानदार सेल्स से मिलकर बने होते हैं. अ सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तमाम जानदारों के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो बेसिक यूनिट है वो आपका सेल होता है. सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल सेल. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, से मिलकर बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया. सेल्स आर डिफरेंट इन शेप साइज एंड फंक्शन. सेल्स शेप साइज और फंक्शन में डिफरेंट हो सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज ओपन योर पेज नंबर 5 और यू कैन सी द हेडिंग माइक्रोस्कोप. यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप की हेडिंग नजर आती है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप को डिटेल में पढ़ेंगे. माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम वो छोटी स्मॉल थिंग्स देख सकते हैं जो हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते. व्हेन वी लुक एट समथिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जब हम कोई चीज माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हैं, इट अपीयर्स लार्जर. ये बहुत बड़ी नजर होती है. माइक्रोस्कोप वी यूज इन आवर स्कूल्स आर लाइट माइक्रोस्कोप. जो माइक्रोस्कोप आप अपने स्कूल्स में देखेंगे या इस्तेमाल करते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप होती है. दीज माइक्रोस्कोप यूज लाइट टू शो द इमेज. इनको लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इमेजेस को या जो भी आप चीज देखना चाहते हैं उसको देखने के लिए आपको लाइट की, मतलब रोशनी की जरूरत है. अ लाइट माइक्रोस्कोप डायग्राम ऑफ आर लाइट माइक्रोस्कोप. ये एक लाइट माइक्रोस्कोप की डायग्राम.
लाइट माइक्रोस्कोप हैज अ बेस, एक लाइट माइक्रोस्कोप की एक बेस होती है जो कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एन आर्म एक आर्म होती है, अ ट्यूब इस तरह की एक ट्यूब होती है, एंड टू एडजस्टमेंट स्क्रू, यहाँ पे दो इसके एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं। टू लेंसेज आर फिटेड ऑन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, इस ट्यूब के एंड पर दो ऑब्जेक्टिव लेंस कनेक्ट किए गए होते हैं। द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन आईपीस, इस ट्यूब के ऊपर जहां से हम अपनी आंख रखकर इमेज को देखते हैं उसको आईपीस कहते हैं। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस, इन लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसकी मदद से हम आईपीस के थ्रू इमेज को तस्वीर को देख सकते हैं। द लेंस लाइट इज पास टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो यूजिंग अ मिरर, यहाँ पर एक बिलो नीचे एक मिरर होता है जिसपे से लाइट गुजर कर लाइट गुजरती है और हम फिर इमेज को देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड, ये एक ग्लास स्लाइड होती है जिसको हम स्टेज कहते हैं, इसके ऊपर हम अपना सेल और ये जो भी स्टैम्पल है उसको रखते हैं। टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप टू एडजस्टमेंट स्क्रूज आर यूज, ताकि हम अपने यहाँ पे रखे गए ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए हम इन ऑब्जेक्टिव लेंस को एडजस्टमेंट स्क्रूज की मदद से मजीद फोकस में लाते हैं ताकि हम आई पीस से उस ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा क्लियरली देख सकें। वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स बिगर दैन इट्स ओरिजिनल साइज, एक मलाई माइक्रोस्कोप की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके साइज से 1500 टाइम्स ज़्यादा बड़ा कर कर देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, कुछ ज़्यादातर सेल इतने छोटे होते हैं कि उनको एक माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखा जा सकता। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज ओपन पेज नंबर 6 ऑफ योर बुक, यू कैन सी द हेडिंग एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल, यहाँ पे आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल की हेडिंग नजर आ रही है। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एनिमल सेल क्या होता है और प्लांट सेल क्या होता है। एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मेनी फीचर्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में खसूसियात में ये दोनों सेल्स एक जैसे होते हैं, बट अ फ्यू डिफरेंसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट, बट इनमें थोड़े से डिफरेंस भी इनमें थोड़े से फर्क भी होते हैं। देयर आर मेनी पार्ट्स इन सेल, एक सेल में बहुत सारे हिस्से होते हैं, यू कैन सी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक सेल में कितनी सारी चीजें हैं। अ माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सेल शोज डिफरेंट पार्ट्स इन एनिमल एंड सेल, माइक्रोस्कोप के थ्रू जब प्लांट्स और एनिमल सेल की स्टडी की गई तो हमने पता लगाया कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स भी मौजूद हैं जिसको अब हम एक एक करके इस बुक में इस आपके पेज नंबर 6 पे इसको रीड आउट करेंगे। पहली हेडिंग इज फर्स्ट हेडिंग इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? द माउंटेन मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल, एक प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ अ हार्ड मटीरियल, ये हार्ड मटीरियल सख्त मटीरियल से बनी होती है जिसका नाम होता है सेलुलोज, जिसको हम क्या कहते हैं सेलुलोज। द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल, ये सेल वॉल सेल को सपोर्ट देती है, उसको ताकत देती है, उसको सहारा देती है एंड गिव शेप, और इस सेल वॉल की मदद से प्लांट सेल को एक शेप मिल जाती है। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल, इस डायग्राम में यू कैन सी एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं। योर नेक्स्ट हेडिंग इज सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, यू कैन सी इन द डायग्राम एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन प्लांट सेल, जबकि प्लांट सेल में इट इज प्रेजेंट